खुर्रम से झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो शायद मेरे नसीब ने कर लिया मुझसे। जुगनू, तुम हर वक्त हंसती रहती थी, मैंने तो इस तरह आंसू तुम्हारी आंखों में कभी देखे नहीं है। शायद आंसुओं ने मेरी आंखें देख ली हैं, बसेरा कर लिया। जुगनू, बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रही हो इस तरह? पता है, पहले भी जब तक आपको कुछ बता नहीं देती थी मुझे सकून नहीं मिलता। तो फिर बताओ ना। वादा करें मुझसे, आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, अम्मी को भी नहीं, फरहान भाई को भी नहीं और सोनिया को भी नहीं। नहीं बताओ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा खुर्रम। क्या हुआ, उठाया? नहीं उठाया हमजा ने फोन। बेटा वो रस्ते में होगा ना, शोर होगा, उसमें फोन शायद नहीं सुना उसने। पहले भी 3 बार कॉल कर चुकी हूँ, हमजा ने फोन एक बार भी चेक नहीं किया है। इतने घंटों से मामा वेट कर रही हैं, अब मैं क्या कह के उनको रोकूं? खाना बना दिया है, सिर्फ कबाब तल रही हूँ, उनको कहो हमारे साथ खाना खा ले। नहीं पप्पू, मैं जानती हूँ ना मामा को, वो ऐसे नहीं जाएंगी और ना ही खाना खाएंगी। अच्छा नहीं, तुम परेशान हो, एक दफा फिर करो, वो उठा लेगा। कितना गुस्सा आ रहा है हमजा के ऊपर। मुझे जीते जी कब्र में उतारोगे क्या? अरे कोई मुझे बताए तो सही, बात क्या हुई है? बेटा बैठो, बैठ कर बताओ मुझे। अपने बेटे से पूछे ना, मुझसे पूछे जा रही है। जमीन फटे और जुगनू उसमें समा जाए अगर मेरे मुंह से वो बातें निकल जाए। अम्मी सुनो, माफ, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। रहान क्या हुआ, ऑफिस नहीं गए अभी तक आप? क्या बात हुई आपके जुगनू से? तुमने जुगनू के ससुराल फोन करके पता किया कि वो वहां पहुंच गई कि नहीं? थोड़ी देर तक करूंगी फोन। मैं सोच रही थी कि अगर उसकी सास को फोन किया, पता नहीं क्या कुछ सोचेंगी वो। अच्छा है ना डायरेक्ट जुगनू से ही बात हो जाए मेरी। गलती मेरी ही थी,
क्या मतलब? क्या कहा है उसने? वो क्यों इतना गुस्से में थी? आपसे तो कभी भी इस तरह से नाराज नहीं होती वो। पता नहीं मुझसे कहां गफलत हो गई जुगनू के मामले में। खुर्रम के बारे में कुछ बताया क्या आपको? ओहो, खुर्रम के बारे में तो बात ही नहीं हुई थी। तो बात क्या हुई थी? मुझे बताएंगे तो पता चलेगा ना। वो जब रात में तुम सो गई थी तो बाहर डोरबेल बजे जा रही थी, काफी टाइम हो गया था। मैं परेशान होकर जब बाहर दरवाजा खोलने गया तो बाहर जुगनू खड़ी थी। जुगनू आधी रात को बाहर थी? वो बाहर क्या कर रही थी? कहां गई थी वो? हमजा के घर। उसने मुझे बताया कि हमजा घर पर था नहीं, आरफ पप्पू की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने फोन करके जुगनू को बताया था। और आपने उसके झूठ पर यकीन कर लिया है ना? वो झूठ क्यों बोलेगी? जैसे आज तक आपसे बोलती आई है। पहले की बात और थी शीरी, अब वो खुर्रम की इज्जत है। अच्छा, तो ये बात समझाने पर वो आपसे नाराज होकर घर से चली गई। फरहान, जब किसी को आप अच्छे के लिए समझाते हैं और इस तरह से वो गुस्सा करे ना, तो जरूर उसके दिल में कोई चोर होता है। मुझे देर हो रही है। मैं सबको बताना भी है, मैं किसी के साथ आई हूँ, अकेली नहीं आई। प्लीज आ जा। देर हो रही है जुगनू। नहीं तो सोनिया इंतजार कर रही होगी ना मेरा। और आपको ना, आए प्लीज, अंदर आए। वो फरहान भाई के साथ आ रही थी तो रास्ते में बाइक खराब हो गई, सामने से हमजा भाई आ रहे थे तो फिर उन्होंने कहा कि छोड़ा हो जरा, बैठ जाए ना प्लीज। नहीं मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अब बैठो ना बेटा, फिर कभी सही। इस वक्त फिर कभी पता नहीं आए ना आए, इतनी नकचड़ी बीवी है इनकी, हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। अमीर घर की है ना, इसलिए तो नखरे भी वैसे ही हैं। लेकिन हमजा भाई, इनका तो कोई जवाब ही नहीं, इतनी तबीयत अच्छी है ना इनकी। अच्छा जुगनू, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है, सलाम अलैकुम। क्या मसला है जुगनू, तुम्हें हर जगह बैठ के क्यों सोनिया के बारे में बातें शुरू कर देती हो? वो बहुत अच्छी है, और प्लीज आइंदा इस बात का ख्याल रखना।